हाय फ्रेंड्स, मु राजा आपन को अनेक अनेक स्वागत करुच्छी आम यूट्यूब चैनल ओडिया ट्रिक्स को। यहाँ आम मॉक टेस्ट नंबर 8। जदि आप हाई स्कूल टीचर बा वेस्टेट एग्जाम प्रिपेरेशन करुथिबे वीडियो कंप्लीट देखिबे। आ टारगेट आमर होची हाई स्कूल टीचर मेन्स एग्जाम, से ऑलरेडी कौन थी सिलेबस आप कंप्लीट थी। एबे खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस ही चलो। आमर वीडियो कंप्लीट देखिबे आ ट्राए करिबे मो आंसर कहिया पूर्व आपण आंसर करिबा को वीडियो को पॉज कर देबे, तापर आंसर करिया चेष्टा करिबे। आ 45 हमर जो आसुची जुलोजी रो, एटा होची जुलोजी मॉक्स टेस्ट 45 रु केते स्कोर करले कमेंट करके कहिबे। एमिति बारंबार प्रैक्टिस करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देछि कोन, टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ए टेस्टिसटा कोन करूची ना, टेस्टिस चारिपटे गोटे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूर लेयरिंग बा कभरिंग अच्छी, कौन कहा जाए। ए देची एपिडाइडामिस, बी देची ट्यूनिका अल्बुजिनिया, सी देची ग्राफियन फॉलिकल्स, डी देची कॉर्पस पंजीसम। ताले करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। एटा होची एनिमल रिप्रोडक्शन रो क्वेश्चन। जदि एनिमल रिप्रोडक्शन उपर एमिति एमसीक्यू दरकार कि थ्योरी क्लास दरकार कमेंट करि परिबे, नेक्स्ट रे मु आनी कि पहुंचेबे अपन पाखरे। नेक्स्ट को जीवा 2 नंबर, द मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड ओभारी इज कॉल्ड एज। ओभारी भितर जो अच्छी मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूटा ताकु कौन कहा जाए। ए देची कौन ना, गुबर्नाकुलम, बी देची डेस्ट्रोजेन, सी देची ग्राफियन फॉलिकल। एठी करेक्ट आंसर आसी सारलानी, ताले ग्राफियन फॉलिकल हे जीवो करेक्ट आंसर। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड ओभारी इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट को जीवा 3 नंबर, द एंटायर मिडिल पीस इज सराउंडेड बाय ए पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। मिडिल पीस माने स्पर्म रो स्ट्रक्चर कथा कहा होची, मिडिल पीस टा सराउंडेड बाय ए पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म द्वारा कौन है ना, सराउंडिंग है, सही साइटोप्लाज्मिक लेयर को कौन कहा जाए। ए देची आक्रोजोम, बी देची एम्पुला, सी देची मांचिटी, डी देची कोरियन। ताले करेक्ट आंसर है जीवो मानिकिटी बा मांकिटी कोनता को, करेक्ट आंसर है जीवो सी, 3 नंबर करेक्ट आंसर सी। ए पीडीएफ प्रैक्टिस पई मु मोर सेकंड ग्रुप रे दे देबी, जाईकी आउ थरे प्रैक्टिस करिनेबे। नेक्स्ट को जीवा 4 नंबर, स्पर्म वाज फास्ट डिस्कवर्ड बाय। स्पर्म होची कोन ना, कहियो गले मेल गैमेटटा, से स्पर्म टाको किए प्रथमे डिस्कवर्ड करथिले। ए देची रॉबर्ट ब्राउन, बी देची ए बी लुइनहॉक, सी देची कैरोलस लिनियस, डी देची लिनी। ताले करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना, ए बी लुइनहॉक, जे कि बैक्टीरिया डिस्कवर करचंती। ताले करेक्ट आंसर है जीवो ए बी लुइनहॉक। 4 नंबर, 5 नंबर को जीवा, द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड जो अच्छी हमर बैकबोन तार लेंथ केते। ए देची 55 सेंटीमीटर, बी देची 75, सी देची 45, डी देची 48। कौन क्वेश्चन ना, क्वेश्चन होची लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रो लेंथ केते। ताले करेक्ट आंसर हे जीवो कौन ना, 45 सेंटीमीटर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मन रखिथिबे। एमिति एमसीक्यू प्रैक्टिस करी करी चालिबा। आपण भी कौन करिवे ना, ए विषय रो ए भले एमसीक्यू पढिले ता उपर आउ 3-4टा को कहबे एमसीक्यू पढि नेबे, बा ता थ्योरी टिके देखि पके कि रिकॉल करी करी चालिबे। ऑलरेडी माने प्रीलिम रो पढ़ी कि मेंस भूली जाइथिबे, हेते पे क्विक रिवीजन करी करी चालिबे। नेक्स्ट को जीवा 6 नंबर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व गोटे अच्छी, स्पाइनल नर्व गोटे अच्छी। स्पाइनल नर्व डेवलप्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, आउ क्रैनियल नर्व कोठु डेवलप करे ना, ब्रेन रु आस्थाए। से हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मैन। पूर्वतर हाई स्कूल टीचर ए भले क्वेश्चन पढ़ीला, केते पेयर अच्छे। ए देची 23 पेयर, बी देची 31 पेयर, सी देची 12 पेयर, डी देची 22 पेयर। करेक्ट आंसर है जीवो सी, 12 पेयर क्रैनियल नर्व अच्छी कहार ना, इन केस ऑफ मैन। 7 नंबर को जीवा, द कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज। स्पाइनल कॉर्ड भितर थिबा कैविटी माने कौन ना, स्पेस, जो स्पेसटा अच्छी स्पाइनल कॉर्ड भितर ताकु न्यूरोसील बोली कहंती। एठी हेगला करेक्ट आंसर, 7 नंबर करेक्ट आंसर हेगला ए।
नेक्स्ट को जी आठ नंबर क्वेश्चन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जहाँ कहते CSF इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ब्रेन इनसाइड ब्रेन विदिन स्पाइनल कॉर्ड ऑल द एबव ताले करेक्ट आंसर हो ऑल द एबव सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइडा सबुठ भितर अच्छी ताले आठ नंबर करेक्ट आंसर है डी नौ नंबर को जी द फास्ट स्टेप इन यूरीन फॉर्मेशन इज यूरीन फॉर्मेशन रो विभिन्न स्टेप अच्छी ताले फास्ट स्टेपटा कौन ए देची ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बी देची अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सी देची सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन डी देची डीअमिनेशन ताले करेक्ट आंसर कौन हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन करेक्ट आंसर हो गला नौ नंबर बी दस नंबर को जीवा टू सिंथेसाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया व्हाट इज रिक्वायर्ड बा व्हाट आर रिक्वायर्ड गोटे मॉलिक्यूल यूरिया पाई कौन कौन दरकार टू मॉलिक्यूल अमोनिया वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ऑल द अबव ताले ऑल द अबव हे जीवो करेक्ट आंसर ये सब किछि दरकार नेक्स्ट को जीवा 11 नंबर डाइयूरेसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन 11 नंबर करेक्ट आंसर हे जीवो एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन बी हे जीवो करेक्ट आंसर डाइयूरेसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन नेक्स्ट को जीवा 12 नंबर यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज इटसेल्फ व्हेन इट बिकम्स फिल्ड विथ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर रे जेते बळे यूरिन फिल अप हे जीवो से ऑटोमेटिक एम्प्टी करूची ए प्रोसेस को कोण कहंती ए हेची ऑर्निथिन साइकिल बी देची होमियोस्टेसिस सी देची ऑस्मोरेगुलेशन डी देची मिक्चुरेशन तारे जो मिक्चुरेशन हे जीवो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली कोण हबो ना यूरिनरी ब्लैडर रु यूरिन टा खाली हबो पुणी यूरिन फिल अप हबो पुणी खाली हबो ए कंटीन्यूअस प्रोसेस चालूची नेक्स्ट को जीवा 13 द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी हबो नहीं हार्ट ऑर्निथोलॉजी हबो नहीं बर्ड्स हिस्टोलॉजी टिश्यू तार रही गला कौन ना एंजियोलॉजी विलियम हार्वे जो कहती ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करते से प्रोसेसटा को स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी 13 नंबर 14 नंबर को जीवा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल आरबीसी रो अदर नेमटा कौन ए देची ल्यूकोसाइट बी देची एरिथ्रोसाइट सी देची ग्लोब्युलिन डी देची ऑल द अबव ताले एरिथ्रोसाइट हे जीवो करेक्ट आंसर आरबीसी रो अदर नेम एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट हे जीवो कहारो ना डब्ल्यूबीसी रो हे जीवो ल्यूकोसाइट नेक्स्ट को जीवा 15 नंबर व्हिच इज नोन एज डिफेंस सेल बा आम बॉडी रो कौन अछि ना डिफेंस मेकानिजम जो अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनिटी पावर से इम्यूनिटी पावर को कौ सेलटा बूस्ट करिथाय बढ़े थाए से कहती डिफेंस सेल 15 नंबर ए देची प्लाज्मा बी देची डब्ल्यूबीसी सी देची आरबीसी डी देची कौन ना प्लेटलेट ताले करेक्ट आंसर हो जीवो डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज डिफेंस सेल्स ऑफ द बॉडी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसिला परी नेक्स्ट को जीवा 16 नंबर द कार्डियक साइकिल इज कौन देची 16 नंबर द कार्डियक साइकिल इज माने कार्डियक साइकिल टा कंप्लीट हबा पई केते सेकंड नउची ए देची 0.9 सेकंड बी देची 0.83 सेकंड सी देची 1.72 डी देची 9.8 ताले करेक्ट आंसर हे जीवो 0.83 माने प्रति मिनिट रे 72 थर होउची जदी हरिबे एति के हबो कोन नेक्स्ट को जीवा 16 नंबर 17 नंबर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड इज फॉर्मड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया रे केतेटा मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड तयारी होउची वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड ताले टू मॉलिक्यूल्स कोठी देची ने एठी देची दुईटा मॉलिक्यूल रो पाइरुविक एसिड तयारी हुए सेइटा को कोंती ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया नेक्स्ट को जीवा 18 नंबर क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया टा डायरेक्ट क्वेश्चन क्रेब साइकिल बा टाकु टीसीए साइकिल बोली कुहा जाए ताले करेक्ट आंसर कोन हे जीवो माइटोकॉन्ड्रिया
ଏଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଏଟିପି ଆଡ଼େନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ଯାହାକୁ ଏନର୍ଜି କରେନ୍ସି ବୋଲି ବି କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଏଟିପି। 19ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ। 20କୁ ଯିବା, ଆଲଭିଓଲି କେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି? ଏ ଦେଇଛି କିଡ଼ନୀ, ବି ଦେଇଛି ଲିଭର, ସି ଦେଇଛି ଲଙ୍ଗସ୍, ଡି ଦେଇଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବା, ଆଲଭିଓଲି ଯେମିତି ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ଅଛି, ପଲ୍ମୋନାରୀ ଶବ୍ଦଟି ଲଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼, ପଲ୍ମୋନାରୀ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 21, ଦ ସେମି ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଫୁଡ଼ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍। ଅର୍ଦ୍ଧ ହଜମ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଚାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମି ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଫୁଡ଼ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଚାଇମ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲିଥିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ବାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ର। 22ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବାଇଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 23, ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲେବୁଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଆର୍। ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେଥିରୁ ବି ଆଉ ସି ହେଉଛି ୱାଟର୍ ସଲେବୁଲ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଏ ଡି ଇ କେ। ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏ ଡି ଇ କେ ଯଦି ଥିବ ସେ ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲେବୁଲ୍। 23ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଡି। 24ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଭିଟାମିନ୍। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଆବଜର୍ପସନ୍ରେ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ କରେ ନା ହେଲ୍ପ କରେ? ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭିଟାମିନ୍ କେ, ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ କେ। 25କୁ ଯିବା, IUCN ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସେଇ IUCNଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1948 ମସିହା। 1948 ମସିହାରେ IUCN ହେଇଛି। ଏଇ IUCN ତରଫରୁ ରେଡ଼୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍ପେସିସ୍ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ସ୍ପେସିସ୍। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ ସିଟୁ କନଜରଭେସନ୍। ଇନ୍ ସିଟୁ କନଜରଭେସନ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ, ବାୟୋସ୍ପିଓ ରିଜର୍ଭର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଜିନ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ, କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍। ତାହେଲେ କ୍ରାୟୋ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ ସିଟୁ ବାହାରେ ନେଇ କରାଯିବ, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି। 26ର ହେଇଗଲା ଡି। 27କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଏବାଉଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ୍ଟା କ'ଣ? ଦେ ଆର୍ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍, ସେମାନେ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରଫିକ୍ ଲେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ବି ଅଛି। ଦେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଫୁଡ଼୍ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଠିକ୍ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଲୋ କହିଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜି ହାଇ ଥାଏ, ଡି କମ୍ପୋଜର୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରଫିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜିଟା କମ୍ ଥାଏ, କାହିଁକିନା 10% ଯାଇ 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 କମି ହିଁ ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା କହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ କହିବେ, ଅଲ୍ ଦ ଏଭବ୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, କନଜ୍ୟୁମର୍, ଡି କମ୍ପୋଜର୍, ସବୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠିତ। ତାହେଲେ 28ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଡି। 29କୁ ଯିବା, ସମଟାଇମ୍ସ ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଆନିମଲ୍ସ କଲ୍ଡ ଆଜ୍। ବେଳେବେଳେ ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍, ଆମର କିଛି କାମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଅର୍ଗାନ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍। 29ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର 29ର ସି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 30, ହୁ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି। ପାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫସିଲ୍, ସେଇ ଫସିଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର ଫାଉଣ୍ଡର୍ କିଏ, ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜିର ଫାଉଣ୍ଡର୍ କିଏ ନା କ୍ୟୁଭିର୍, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜର୍ଜ କ୍ୟୁଭିଅର୍। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 30ର ହେଇଗଲା ସି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ହେଉଥିବ ସ୍କୋର୍ କାଉଣ୍ଟ କରି କରି ଚାଲିଥିବେ। 31କୁ ଯିବା, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍। ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମାନେ ତା'ର ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏ ଦେଇଛି ହୋମୋଲୋଜି, ବି ଦେଇଛି ଆନାଲୋଜି, ସି ଦେଇଛି ଅଣ୍ଟୋଜେନି, ଡି ଦେଇଛି ଫାଇଲୋଜେନି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫାଇଲୋଜେନି। 31ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, 32,
म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय म्यूटेशन थ्योरी टे किए देथिले ना ह्यूगो डिब्रिस मन रखि देबे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिब्रिस करेक्ट आंसर हो गला बी 33 को जीवा लिंकेज इज द डेविएशन ऑफ मेंडेल्स व्हिच लॉ ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 33 रा करेक्ट आंसर हैला डी लिंकेज टा मेंडेल को इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट लॉ रा डेविएशन नेक्स्ट को जीवा 34 ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कॉल्ड एज ट्रांसफर होची क्रोमोसोमल सेगमेंटा दीटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भितरे ताकु कोण कुहा जाए ट्रांसलोकेशन बोली कुहा जाए करेक्ट आंसर हे जीवो 34 नंबर रो सी 35 को जीवा डाउन्स सिंड्रोम इज विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स थाए जहाँ को डाउन सिंड्रोम होची फ्लैटेंड फेस करेक्ट हबो शॉर्ट हाइट करेक्ट हबो लो इंटेलिजेंस करेक्ट हबो ऑल द अबव हेगला करेक्ट आंसर 35 रो करेक्ट आंसर हेगला डी नेक्स्ट को जीवा 36 टर्नर्स डिजीज इज विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टर्नर डिजीज रे केते संख्यक क्रोमोसोम थिबो ताले करेक्ट आंसर हे जीव 45 गोटिए कमी जीव रही पारे 2a प्लस एक्स ओ रही पारे नल 2a प्लस वाई ओ रही पारे समिति गोटिए कमी जाय थिबो 46 सबा कथा किंतु 45 नंबर हे थिबो 37 को जीवा व्हिच इज शॉर्टेस्ट फेज माने सेल डिविजन रो शॉर्टेस्ट फेज कोटा 37 रो करेक्ट आंसर हे जीवो कोन ना डी अनाफेज होची सबुठारो शॉर्टेस्ट फेजटा नेक्स्ट को जीवा तो डायरेक्ट क्वेश्चन 38 क्रोमोसोम बिकम्स वी और एल शेप्ड इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिविजन क्रोमोसोम टा वी आउ एल आकार रे जोटा को हमें ओनियन टिप रे स्टडी करा जाई परिबो को फेज रे ना अनाफेज रे करेक्ट आंसर हे जीवो अनाफेज 38 रो सी 39 को जीवा ड्यूरिंग सेल डिविजन व्हिच इज कंसीडर्ड एज एन इनएक्टिव फेज इनएक्टिव फेज होची G0 फेज G0 टा होची इनएक्टिव फेज 39 रो करेक्ट आंसर हैला सी 40 को जीवा द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए सेल डिविजन इज कॉल्ड एज गोटे सेल डिविजन कंप्लीट हबा पई जो टाइम दरकार ताको कोन कोहती करेक्ट आंसर एठी अछि ना जेनरेशन टाइम 40 रो करेक्ट आंसर हे गला ए नेक्स्ट को जीवा 41 फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर जोटा केते मसीहा रे ना 1969 मसीहा रे प्रपोज करथिले फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत बार क्वेश्चन आसुची यार उपरे 41 रो करेक्ट आंसर हैला सी नेक्स्ट को जीवा 42 द लार्जेस्ट वर्टिब्रेट एनिमल विथ ए सिंगल नॉस्ट्रिल इज लार्जेस्ट वर्टिब्रल एनिमल टा किए वर्टिब्रेट एनिमल जहार गोटिए नॉस्ट्रिल अछि ताई जो ब्लू व्हेल 42 रो करेक्ट आंसर हे जीवो सी तापर जे 43 को द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इज सिक्रेटेड बाय द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इज सिक्रेटेड बाय ए देछि फागोसाइट स्क्लेरोसाइट मायोसाइट स्क्लेरोब्लास्ट ताले करेक्ट आंसर कोन हे जीवो ना दी स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रेशन टा स्क्लेरोब्लास्ट हे जीवो 43 रो डी नेक्स्ट को जीवा द बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंटेराटा सिलेंटेराटा मानकर जो बॉडी स्पेस अछि 100 एमसीक्यू आनिछि चाहि कि भलसे देखिबे जूलोजी रो एनिमल जो अछि हमर किंगडमटा देखिबे भलसे बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंटेरन इज कॉल्ड एज सिलेंटेरन तक कोनति तांका बॉडी कैविटी को ताले लास्ट क्वेश्चन आसिला 45 कैरोलस लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज पर कैरोलस लिनियस टा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देथिले से होची नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जदी एमिति आपण पढीतिबे हम प्रैक्टिस करिया पई क्वेश्चन चाहू चंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे वीडियो पसंद आबो लाइक करिवे जो जो चैनल ले जो जो टॉपिक रो एमसीक्यू दरकार 100 प्लस कमेंट करी कहिवे तार उपरे मुआनी की पहुंचेबी विभिन्न एग्जाम रे पडुथला भलिया आनिबा थैंक यू।